नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं इंडियन गोल्ड कंपनी, सरफा बाजार, नेताजी रोड, रायचूर, 8310-8466-30। नाजरीन, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर मुख्तार पठान ने रायचूर का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। आखिर में सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख ज़िला रायचूर के दफ्तर का भी इन्होंने दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ स्कीमात का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि जल्द ही कॉरपोरेशन की जानिब से एक खर्च की एक बेहतरीन स्कीम मुतारिफ कराई जा रही है। इस स्कीम के तहत मुनफरिद तौर पर यानी इंडिविजुअल तौर पर खवातीन को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। इसके तहत तकरीबन 800 खवातीन को लोन देने का टारगेट है एक एक ज़िले में। इन्होंने मजीद कहा कि इसी तरह अरियुल लोन की स्कीम चालू है, जो तलबा और तालिबात इस साल PUC पास करके CET का एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो इंजीनियरिंग या MBBS की सीट अगर उन्हें सरकारी कोटे में मिलती है तो उन्हें अरियुल लोन के तहत खर्चाजात की सहूलत फराहम की जाएगी। इन्होंने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि कोविड की वजह से हर शोबा मुतासिर हुआ है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में मुख्तलिफ तंजीमों ने मुख्तलिफ अफराद ने इंसानियत की जो खिदमत की है वो काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि CMA ने भी कोविड के दौरान काफ़ी खिदमात अंजाम दी हैं, राशन की तकसीम वगैरह जैसे। इस तरह की खिदमात मुख्तलिफ तंजीमों ने न सिर्फ ज़िला रायचूर बल्कि पूरी रियासत कनाडा का और पूरे मुल्क में इस तरह कई लोगों ने आवाम की मदद की है। इन्होंने इस मौके पर CMA के कामों का जायज़ा भी लिया और खुशी का इजहार करते हुए CMA की खिदमात को सराहा। इस मौके पर ज़िला वक्फ सदर सैयद मुख्तियार के अलावा सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख ज़िला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार, शाह मोहम्मद खान और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख ज़िला रायचूर की जानिब से KMDC चेयरमैन मुख्तार पठान की और अखिलेती कायद नूर बादशाह बल्लारी की गुलपोशी और शालपोशी की गई। अस्सलाम वालेकुम। अभी कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट के जानिब से, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जानिब से हमारे यहाँ पे जो स्कीम्स शुरू किए हैं, लास्ट टाइम भी थे, हरिओम योजना जो ये एक एजुकेशन बेस्ड स्कीम है, इसमें CET और NEET पे जो पास हुए बच्चे हैं उनके लिए अभी स्कीम सभी चालू की गई है। 18 तारीख तक उसका लास्ट डेट दिया गया है, वो देख लेकर फिर कुछ लोगों को एक्सटेंशन करने के लिए हम लोग उसमें। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो कोविड जैसी अभी बीमारी आ गई, ये बीमारी की वजह से लॉकडाउन का एक घोषणा करना पड़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा जी तो सब लोग एक जान का खतरा रहने की वजह से बीमारी में तो लॉकडाउन करना पड़ा। तो ये लॉकडाउन करने के बाद में बहुत से लोग ऐसे हुआ कि उनको फाइनेंशियल कंडीशन बहुत से खस्ता हालत होने लगी। तो उस टाइम में सरकार से क्या क्या सहूलतें देना चाहिए वो दिए, और हालांकि यहाँ पे भी हमारे सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन हो या दूसरे इदारे हो, ये लोग भी सब लोग भी काम करें इसके अंदर। हम हर एक आदमी, किसी का भी एक नाम नहीं लेना चाहता, हर एक कम्युनिटी में हर एक जो संस्था है वो अपने अपने लेवल में अपने जितने हो सकता है, एकले को खाना खिलाने को हो सकता है तो खाना खिलाना काम कर रहे थे, वो सभी काम कर रहे थे। और सरकार भी सहूलतें देने का, उनके लिए जो 5,000 रुपये तक का मदद देने का था, 2,000 रुपये तक देने का था, 6,000 रुपये जो एग्रीकल्चर फार्मर को देना, सभी देते आ गए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लोग हमारे, ये जब लोगों ठीक था, अभी लॉकडाउन का पीरियड का ढीला हो रहा है तो अभी बिजनेसेस करना है, इतने दिन तक खाने के लिए तकलीफ थी वो सभी काम हो गया। अभी बिजनेसेस करने के लिए अभी बहुत से बैंक से लोन भी मिल रहा है अभी तक, आत्मनिर्भर भारत बोल के जो स्कीम्स बनाए उसके अंदर दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त में ऐसा है
कि हमारे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोग, मुस्लिम लोग हो, क्रिश्चियन लोग हो, जैन लोग हो, सिख हो, पारसी हो, ये लोग सभी लोगों के लिए ऐसे है कि वो लोग गरीब तबका है जो रास्ते पे फ्रूट बेचते हैं, फ्लावर बेचते हैं और अगरबत्ती बेचते हैं, कुकम बेचते हैं, जात्रों में जात्रे बोलते हैं ना उसमें जाते हैं, और इधर जो तरकारी व्यापार का हो बाजारों में व्यापार करने वाले होते हैं या गांव गांव फिर के काम कर बेचने वाले रहते हैं। सो उनके लिए सबके लिए दिक्कत ऐसी आई कि वो जितना फंड्स था उनके पास वो लॉकडाउन पीरियड में खर्च हो गया। तो अभी वो चाहे जाके 10,000 रुपये चाहिए बोला तो जो मंडी वालों के पास, इंटरेस्ट देने वाले के पास जाके वहाँ पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे के वहाँ पे लेके आके जो तो डेली रूटीन बड्डी वो इंटरेस्ट लेते रहते हैं उनके पास लेके काम करवाना पड़ता है। ये सभी देखने के बाद मैं और हमारे श्रीमंत पाटिल माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री और हमारे जो अल्पसंख्यक हमारे कल्याण इलाके के हमारे जो सेक्रेटरी साहब है इब्राहिम अलू साहब, हम सब सभी बैठ लेकर एक चिंता करते हैं इसमें कैसा करना चाहिए, इसे हल क्या करना, हमारे निगम से कैसा देना चाहिए। सोचने के बाद में हम लोग फिर बैठ लेकर डिस्कस करें कि जो ऐसे गरीब तबका है उनको औरतों के लिए खास करके 10,000 रुपये तक का हम लोग देने का, उसके अंदर 8,000 रुपया लोन है, 2,000 रुपये सब्सिडी है। ये स्कीम जो पहला हम लोग ऐसा दे देते हैं कि पहला यही स्कीम हम लोग माइक्रो योजना के अंदर ग्रुप में देते हैं, यानी कि 10 से 20 लोग रहना चाहिए और 6 महीने तक उसका अकाउंट रनिंग रहना चाहिए और उनका संस्था उनका जो संघ बनाते हैं वो 6 महीने बिफोर का उनका रहना चाहिए, ये सभी सोचते हैं रजिस्टर्ड। लेकिन अभी इसमें कुछ रजिस्टर करना जरूरत नहीं है, ये इंडिविजुअल माइक्रो लोन है, यहाँ पे कुछ भी इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ इतना करना है कि आधार कार्ड और BPL कार्ड और जो उनका जो बैंक पासबुक जेरॉक्स और वहाँ पे 2 फोटो और कोई कास्ट इनकम बोले तो इसके अंदर तुम्हारे जो इसके अंदर भी आ जाता है कौन सा BPL कार्ड कर रहा है तो उसके अंदर भी रह जाता है और उनमें सेल्फ अटेस्टेड अपना जो बिजनेस है खुद के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कोटेशन टाइप नहीं है, सेल्फ अटेस्टेशन सिर्फ आप बैठ लेके हम ये फूल बेचते हैं सुबह बजे 2,000 रुपये का फूल लगाए तो शाम लोग बेचने के बाद में 3,000 रुपये होता है, 2,500 रुपये होता है, 500 रुपये बचता है मुझे इस तरह का करने की वजह से, मुझे 4 दिन के लिए पैसा इतना लग जाता है, मैं ये करे तो मुझे अच्छा हो जाता है बोले तो उसके लिए एक हिसाब से वो सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद में वो लोग सभी अपलोड करना है। ये बाकी के पहला कैसा था बोले तो KMDC का आज एप्लीकेशन हो तो स्क्रूटनी होना चाहिए, MLA और हमारे CEO सिलेक्शन कमेटी होके सब आके हमें बेंगलुरु आने आए तक 6-7 महीने हो जाते थे, बाद में वहाँ से रिलीज होना है तो 7-1.5 साल तक, ये ऐसा नहीं है आज डालने के बाद में 1 महीने के अंदर डायरेक्ट उनको उनके अकाउंट को रिलीज होना है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इसका लोग 23,000 लोगों को देने का वादा कर रहे हैं कर्नाटक स्टेट पर डिस्ट्रिक्ट, मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे तुम्हारे जो 700-800 यहाँ पे आ जाता है टारगेट, और वो जो पॉपुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग और साथ में इतना ख्याल कर रहे हैं कि लास्ट करियर तक भी वो जाकर पहुंचे वहां से ख्याल कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं होगा। और इसके अंदर जास्ट एप्लीकेशन आए तो लॉटरी सिस्टम कर रहे हैं जी, खुर्रा कर रहे हैं, खुर्रा करके देने का एक वादा कर रहे हैं इसमें कर रहे हैं वो भी, और बाद में बाकी का उसके अलावा हम लोग अभी माइनॉरिटी के लिए जो स्वयं उद्योग बोल के हमारा जो था उसके अंदर बैंक से उसमें पैसा देना चाहिए था, हम लोग एक थोड़ा पैसा दे देते बाकी का बैंक से दे देते, लेकिन उसके लिए भी हम लोग क्या करें कि इसे नहीं वो बैंकर्स का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बोले तो हम लोग फिर हम लोग बैठ के सभी ये करके विचार करने के बाद भी 1,00,000 रुपये का हम लोग डायरेक्ट हमारे निगम से देने के बाद उसके अंदर 50,000 सब्सिडी है, 50,000 लोन है ये और